लोग कहते हैं कि अगर मैं फरिश्ता बन जाऊँ तो भी कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे बुरा कहने में बाज नहीं आएंगे, पर मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि खुद में काबिलियत पैदा करो, दूसरों को बुरा कह के खुद को काबिल साबित मत करो। दोस्तों मेरा नाम देवेंद्र अग्रवाल है और हमेशा की तरह एक मोटिवेशनल वीडियो आज भी, ताकि ये वीडियो आपको और मुझे दोनों को कर सके मोटिवेट और हमें जीवन में आगे बढ़ने की और हमें जीवन में आगे बढ़ने की एक नई उम्मीद पैदा कर सके। दोस्तों ये कहानी है एक सफ़र की, एक यात्रियों से भरे हुए एक बस की जो एक सफ़र की ओर जा रहे थे। उसी बस के आगे थोड़ी दूर एक बिजली गिरती है, सभी यात्री घबरा जाते हैं और घबरा के बस से उतर जाते हैं। वो सोचते हैं कि अगर ये बिजली हम पर गिरती तो हमारा क्या हाल होता। और उसी बस में चढ़े एक यात्री जो सबके कान पर जाता है, फुसफुसाता है और सब यात्रियों को माइंड को मस्त कर देता है और कहता है कि हमने से कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसको सरदार अपने पास बुलाना चाहता है और उसी के लिए बिजली गिराई है। अगर ये बिजली नेक्स्ट टाइम फिर हमारे बस पर गिरी तो हम सब उस यात्री के साथ ही मर जाएंगे। तो सारे यात्री बहुत नेगेटिव हो जाते हैं और सोचते हैं कि क्या करें। तभी वो यात्री कहता है कि क्यों ना हम एक काम करते हैं, बस के दूर थोड़ी दूर एक पेड़ होता है, उस पेड़ पर सभी यात्री एक एक करके जाएंगे और उसको छू के वापस आएंगे। अगर भगवान को जिसको भी उठाना होगा या जिसको भी अपने पास बुलाना होगा तो उसी पर बिजली गिरा देगा और हम सब बच जाएंगे। तो सभी यात्री ये बात मान लेते हैं और धीरे धीरे एक एक करके सारे यात्री उस पेड़ पर जाके उसको छूते हैं और वापस आ जाते हैं। और उसमें बस का ड्राइवर भी डरा सहमा सा सोचता है कि यार मैं तो नहीं कहीं, हर यात्री ये सोचता है वो मैं तो नहीं। और सभी यात्री एक एक करके वो पेड़ को छू के वापस बस की ओर आ जाते हैं। अब सब यात्री हो जाते हैं सिर्फ बसता है इसलिए, और सबकी नज़र उसी पर रहती है और सबकी दिमाग में और ये एक ही बात चलती है कि यही वो आदमी है जिसकी वजह से हमारी बस के आगे बिजली गिरी और हम भी आगे मर सकते हैं। सब वो यात्री भी डर जाता है और सोचता है कि साथ मैं ही वो हूँ। जब वो जाता है उस पेड़ की ओर और उसको छूता है तो बिजली गिर पड़ती है दोस्तों, पर वो बिजली गिरती है उस बस की ओर और ये बिजली गिरती है बस पर और बस जल के खाक हो जाती है और सभी यात्री मर जाते हैं। वही यात्री जो सोच रहे थे कि वो जो आखिरी वाला व्यक्ति है वही व्यक्ति, उसी की वजह से हम सब की जान खतरे में है, जबकि सिर्फ बचता सिर्फ वही व्यक्ति है। सबसे बड़ा मैसेज हमको ये मिलता है कि बिना किसी कारण के किसी को भी जानना या किसी के बारे में गलत राय देना सबसे बुरी बात है। इस दुनिया में हम एक दूसरे के लिए बैर जरूर पाल लेते हैं पर उनके लिए प्यार के दो बोल कभी नहीं बोलते। हम किसी के लिए भी नेगेटिव बात सुनकर उसको मान लेते हैं पर कब जब हमें उसके बारे में अच्छी बातें बताई जाती है तो वो चीज़ हम कभी नहीं मानते, ना ही हमारा दिमाग उस चीज़ को मानने के लिए तैयार होता है। दोस्तों आपने हमेशा ये चीज़ देखी होगी, सबसे बैर लेने का समय है पर किसी के लिए प्यार करने का समय नहीं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी इंसान को जज मत करो। आपको हक नहीं है किसी भी इंसान को जज करके ये बताने का कि वो क्या है और वो कैसा है। हो सकता है जिसको आप गलत समझ रहे हो वो इंसान सही सही हो सकता है, जिसको आप सही समझ रहे हो वो उस इंसान गलत निकल जाए। सो ये कहानी और इसके साथ मुझे इस कहानी में एक सीख ये सीखने को मिलती है कि हमारी बस में कि हमारी ज़िंदगी भी इसी बस की तरह है और हम भी इस यात्रियों की तरह हैं, पर हमारे पास भी एक ऐसा यात्री आएगा एक दिन जो हमारे कान भरेगा और फुसफुसाएगा और वो हमें नेगेटिव करना चाहेगा और वो ये सोचेगा कि हम भीड़ का एक हिस्सा बन जाए। उस दिन आपको सोचना है, उस दिन आपको डिसाइड करना है कि क्या वाकई में भीड़ का हिस्सा बनेंगे या आपकी एक अलग सोच है और या आपकी एक अलग मंजिल है। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो और वीडियो का अगर पसंद आया तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं नए वीडियो लेते आता रहूँगा। और जीवन में बस यात्री तो हम सभी हैं, पर वो यात्री जो सबके कान भरता है या वो यात्री जो आखिरी में बचता है उनमें से आप कौन हैं मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू वेरी मच।